जी बैक टू द पवेलियन। इट वाज सॉरी इंटरप्टेड, कोई बाहर से कॉल आ गई थी। अच्छा जी, लेक्चर हम दोबारा रीजॉइन करते हैं। हम डिस्प्लेस की बात कर रहे थे। तो डिस्प्लेस इन पब्लिक प्लेसेस जो अवामो नास की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और पब्लिक प्लेसेस के लिए डिस्प्ले ओनली फॉर इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द लोकेशन, जो कुछ ऐसी डिस्प्ले है जो लोकेशन के हिसाब से फिर डिस्प्ले करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टूरिस्ट स्पॉट है, कोई एरिया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अगर आप देखिए कि डिस्प्लेस पे मेंशन है। हम डिस्प्लेस की जो बात करें वो प्लाज्मा या वीडियो वॉल्स या इस तरह की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो लगाई जाती है वो इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ पब्लिक प्लेसेस के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात कर रहे हैं जो पहला वाला पॉइंट है, अगर लेट्स से एक आपका जू है और बहुत बड़ा है, मगर उस जगह के लिए लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि उस लोकेशन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन, जू है उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज़र के लिए वो गाइडेंस रखी है, मगर वक्त के साथ साथ उसको इंटरेक्टिव भी बनाया जा सकता है। मीन्स के एनी यूज़र कैन व्यू द ओवरऑल जू और उसकी डिफरेंट जो एरियाज हैं, अगर वो जाना चाहता है तो वो पहले एक्सप्लोर कर सकता है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, और वो फिर आप उसको फिज़िकली भी जा सकते हैं। तो इसके लिए भी काम हो सकता है। ग्राफिकल बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जा सकती है और इंटरेक्टिव बनाई जा सकती है उसकी पे, जिस तरह आपका इंसाइक्लोपीडिया एनकार्टा एक सॉफ्टवेयर है, इसी तरह आपके पास स्पेसिफिकली किसी एरिया के लिए एक आप ऐप या कोई एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसको आप जनरेट करके आप कर सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर कन्वेइंग सम इंफॉर्मेशन। तो दैट कुड बी आल्सो बी अ प्रोजेक्ट। तो इंटरेक्टिव होता है, जिससे यूज़र एक्सेस कर सकें, उसको एक्सप्लोर कर सकें, ठीक है। तो इंटरेक्टिव वे में, बाहर के मुल्क में इंटरेक्टिव वे में भी चीज़ें सिस्टम्स पड़े होते हैं, ठीक है। नेट फैसिलिटी भी एक कैबिन वगैरह में लगी होती है बाज़ का, आपको एक्सप्लोर करने के लिए यूज़र ईजिली कहाँ खुद लोगों से पूछते रहें, खुद एक्सप्लोर कर लें फ्राम द सिस्टम। तो इन ऑल केसेस लोकेशन मैटर, और जो जो जिस जगह है डेफिनेटली वो जगह किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं वो बड़ी मैटर कर रही होती है। फिर डिफरेंट डिस्प्लेज वी हैव, हमारे पास जो कंप्रेसर वगैरह हैं या जो जिसमें हम कहते हैं कि पानी को, उसमें डिस्प्ले टच बेस उसमें काफ़ी सारी आ गई हैं। फिर आपके जो जो स्मार्ट आपके पास हैं वो टच बेस काफ़ी एक्टिविटी आ गई हैं। अब तो ऐसे ऐसे फीचर्स आ गए कि वॉइस ऑटोमेटिकली जो आप सुन रहे हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं, मसलन टॉकेट वे में आप उसको टाइप भी ऑटोमेटिकली वो कर लेता है जो भी आप उसको बोल रहे हैं, और जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको स्पीक अप मोड में भी चलाते हैं जिससे ऑटोमेटिकली वो सुन रहे हैं। तो कहते हैं कि पढ़ने से बेहतर जो है वो ज़रा सुनना ज़्यादा बेहतर है। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है और बजाय अगर आपको पढ़ने का मूड नहीं है तो उसको स्पीक वे में लगा दें सेलेक्ट करके, तो ऑटोमेटिकली वो उसको बोलता जाएगा और आपकी अगर सुनने की सलाह ज़्यादा बेहतर है तो वो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो डिस्प्लेस आर एवरीवेयर, और स्पेसिफिकली जो है डिस्प्लेस जो है वो स्मार्टफोन्स के भी हैं, जो आपकी फिज़िकल डिवाइसेस कंपोनेंट्स भी इंडस्ट्री में लगी हैं उन पे भी डिस्प्लेस हैं। जो आप देखें कि आपकी जो माइक्रोवेव है, स्विंग जो मशीन हैं या वॉशिंग मशीन्स हैं, ये सारी डिस्प्लेस हैं। जो आपके होम अप्लाइंसेस की बात कर सकते हैं तो उसमें भी सारे डिस्प्लेस हैं, और उसको भी आप जिस तरह आजकल के इंटेलिजेंट एसीज के अंदर, उसमें फिर एक है प्रेडिक्शन है, आप अगर आप अपना बिल जो है बजट अपना बिल सेट कर लेते हैं तो वो आपको बता देता है कि आपका इतना एक्सपेक्टेड बजट आ रहा है और आप इतने क्लोज टू द आ रहे हैं, और वो उस हिसाब से वो उसकी आवर्स और उसकी वो कैलकुलेशन वगैरह करके भी बता देता है। तो और आप ट्रैक कर सकते हैं अपना, और अपना अगर उसके अंदर भी डिवाइस वगैरह यूज़ करके, ये नेटवर्क के लोग भी कर सकते हैं, उनके लिए प्रोजेक्ट भी है IoT उसको कंट्रोल करके करना, प्लस और उसके फीचर्स जो है तो वो भी आप कर सकते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स
वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या चीज़ है और 3D इंटरेक्शन क्या चीज़ है, इसकी तरफ आते हैं। वर्चुअल रियलिटी हेलमेट्स और कुछ चीज़ों की बारे में बात करते हैं कि ये क्या है और उसका क्या मकसद है। मैंने आपको बात की थी कि जब हमने इनपुट डिवाइसेस में माउस को देखा था तो एक्स वाई जी, तो आपको बताऊंगा, तो इसमें 6 डिग्री ऑफ मूवमेंट्स हैं। मैंने कहा था ये जो गेमिंग, जो गेम्स खेलते हैं, या एक तो नॉर्मल पीसी पे गेम है, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड प्लेस में जाते हैं, गेमिंग जोन में जाते हैं, गेमिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं, जहाँ पर वो पे करके खेलते हैं या उन्होंने अपना कोई सेटअप ऐसा बनाया हुआ है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सारा उसको इक्विप्ड करके। तो ऐसे माउस भी हैं जो एक्स वाई जी, रोल, पिच और यॉ 6 डिग्री ऑफ मूवमेंट्स है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा दिखाता हूँ एक नेक्स्ट स्लाइड डायग्राम में, फिर वापस हम इस स्लाइड पे आते हैं कि रोल, पिच, यॉ का क्या मतलब है। मैंने आपको ये बताया था राइट, लेफ्ट, अप, डाउन और ट्विस्ट करना, ठीक है, अप एंड डाउन भी है, राइट और लेफ्ट भी है, और रोल मीन्स कि रोलिंग आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं। तो बाज़ अवकात आपको ऐसी गेम्स हैं जिसमें इस 6 डिग्री एक्स वाई जी के अलावा इन 3, ये जो रोल, पिच, यॉ, इसको भी आपको मूव करना होता है। रोलिंग में तो ये सिंपल रोल कर लेगा, ट्विस्टिंग करेगा, और योर लाइट लेफ्ट करेगा, पिच अप एंड डाउन करेगा। तो डेफिनेटली इससे भी एडवांस अब बढ़ के आ रही है। तो जिस तरह एडवांसमेंट हर टेक्नोलॉजी में आ रही है, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन्स, लैपटॉप साइज, इसकी स्पेसिफिकेशंस, प्लस गैजेट्स, एप्स, ये सब इनोवेशंस हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। इस तरह कॉकपिट एंड वर्चुअल कंट्रोल क्या चीज़ है और किस तरह की एप्लीकेशन या किस तरह के प्रोजेक्ट्स या किस तरह की चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि कॉकपिट कंट्रोल क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी आपके पास एयर स्पेस में जो आपके हमारे पायलट्स हैं, ठीक है, इनको जब एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो इनको मॉडल पे भी स्टडी करवाते हैं, तो इनको जो है लाइव जो कहते हैं ना कि लाइव ट्रेनिंग देने से पहले, लाइव डेमो देने से पहले ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। जिस तरह कॉकपिट एक एनवायरनमेंट बना दी जाती है और उस पर कॉकपिट एक मतलब जहाज़ का जो कैबिन टाइप होता है उसको कॉकपिट बोलते हैं, फिर उसमें जब ये उस एनवायरनमेंट में बैठे होते हैं, प्लस इनको डिफरेंट गैजेट्स और डिफरेंट इनकी जो जो भी उनको कंट्रोल्स दिए जाते हैं उससे मूवमेंट होती है, प्लस अगर वो उनकी ट्रेनिंग हो रही है सामने सिमुलेट होके स्क्रीन पे भी आ रहा है, और जिस तरह लाइक फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा एक्सबॉक्स, ठीक है, तो एक्सबॉक्स में तो आप अपने मोशन जेस्चर वगैरह पहले रिकॉर्ड करवाते हैं, पहले ट्रेनिंग सिस्टम मतलब आपसे डेटा लेता है और ट्रेन होता है, फिर वो उस तरह रिस्पॉन्स कर होता है। इस तरह कॉकपिट कंट्रोल भी है, तो वो उड़ा रहे होते हैं जहाज, या अगर कोई भी अगर जिस तरह ड्राइव करने वाले ड्राइवर्स हैं वो इस तरह पहले ट्रेनिंग लेते हैं। तो कॉकपिट जो है वर्चुअल, उनको कंट्रोल्स दिए जाते हैं, सिमुलेशन सिमुलेट हुए होते हैं, और उसका इफेक्ट उनको सामने नज़र भी आ रहा होता है और ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। जब वो ट्रेनिंग एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं फिर वो जाते हैं। जिस तरह जहाज उड़ाने वालों की पहले सिमुलेटर्स बेस्ड टूल्स पे भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और उस पर उनकी ट्रेनिंग होती है। अब वो टूल्स कैसे बने हुए हैं, कितने क्लोज टू द रियलिटी है, इट डिपेंड्स। जिस तरह मैं आपको प्रोजेक्ट्स का आइडिया भी दूंगा यहाँ पर, जो सॉफ्टवेयर के खासतौर पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो वो जिस तरह आप देखते हैं कि ये जहाज़ क्रैश हुआ तो इसकी सिमुलेशन भी फिर लोग करते हैं कि अगर इस सिनेरियो में अगर हम सिमुलेटर पे जाते हैं तो हम लैंड करा सकते थे क्या, जहाज उठा सकते थे क्या, जिस डायरेक्शन पे कहते हैं कि जहाज स्पीड पे और इस उस ऊंचाई पे था, हम उसको लैंड करवा सकते थे। तो बेशुमार जो है वो सिमुलेशंस और उसके सिनेरियोज पे जो जो आप समझ लें कि एयर क्रू होता है उसको उनसे गुजारा जाता है, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। फिर अब इट डिपेंड्स अपॉन कि वो जो सिमुलेटर है वो कितना क्लोज टू दैट एक्चुअल इन्वायरमेंट में बनाया होता है। अब वो डेफिनेटली वर्चुअल रियलिटी बेस्ड ये एप्लीकेशन है, इस तरह के प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं कि अब डेफिनेटली उसको स्टडी करने के लिए, बनाने के लिए, बनाना तो चलो फिर मगर बनाने के लिए तो आपको फिर जहाज के कंट्रोल स्टडी के ये अफेक्ट होगा तो उसको क्या होगा, तो इट्स अ डिफिकल्ट अंटिल अनलेस अगर आप उनके लिए कोई
प्रोजेक्ट बना रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री के लिए, अगर नहीं बना, अगर पाकिस्तान के लिए भी नहीं बना हुआ, तो उसको आपको पहले स्टडी करना है, फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी क्या होता है, किस तरह अफेक्ट होता है, कैसा, तभी तो आप उसको रियलिटी रियलिटी बेस उसको सपोर्ट कर सकेंगे, उसको ट्रेन कर सकेंगे. तो जिस तरह आई थिंक सो बेशुमार गेम्स हैं जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करती है. आई थिंक सो आई रिमेंबर दैट गेम नेम जो मेरे छोटे भाई भी जब खेलना करते थे, IGI के नाम से थे, डेल्टा फोर्स टाइप होती थी जो, या और इस तरह की जहाज़ों वाली भी, जो उड़ाना, लैंड करना, उसके प्रॉपरली वो गियर लगाना, फिर उड़ेगा वो कंट्रोल, और उसके कोई एरर आ रहा है या कोई आप इंस्ट्रक्शन मिस कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें. तो इस तरह की चीज़ें हैं जो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एप्लीकेशन बनाई जा सकती है. उसमें ये किया जा सकता है कि वर्चुअल रियलिटी का मतलब ही यही होता है, अभी हम आगे वर्चुअल रियलिटी भी देखेंगे, कि यू आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, बट इट फील्स यू लाइक दैट यू आर एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. तो एक्चुअली आप उस एनवायरनमेंट का पार्ट या हिस्सा नहीं होते, बट ड्यू टू सम उसके जो कंट्रोल्स या इंट्रैक्शंस ऐसी हो रही होती है उस एप्लीकेशन या ऐप या फिर के साथ, आपको फील ऐसा लग रहा होता है कि यू आर दैट पार्ट ऑफ दैट सिनेरियो और एप्लीकेशन. ठीक है, तो डेटा ग्लव भी है जिसपे आप हाथों में पहन के जो है, और वो डिटेक्ट करता है फिंगर की पोजीशन, डेफिनेटली फाइबर ऑप्टिक के टेक्नोलॉजी के साथ. तो ये साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उनके इस्तेमाल के लिए है, उस उन पर्पजेज के लिए कि जिसको आप, या अगर आप कोई कंट्रोलिंग या कोई मूवमेंट करवाना चाहते हैं, कोई जिस तरह आप देखते हैं कि मूवीज़ में देखते हैं, जिस तरह आपने आयरन मैन देखी होगी, उसमें वो डेटा ग्लव भी यूज़ करता है. फिर आगे जाके वो एक वर्चुअल रियलिटी से हेलमेट टाइप भी पहनता है, इट डिटेक्ट्स द हेड मोशन एंड आई गेज, और बाज़ू का तो उसने आई गेज वो आँख पर भी पहनी होती है आयरन मैन, अगर आपको याद हो, वो वहाँ से आई की रेटिना की मूवमेंट से वो जो है वो लेज़र फायर कर रहा होता है. तो इट डिपेंड्स ऑन दीज और सम डिवाइसेस वी यूज फॉर सम स्पेसिफिक डेडिकेटेड पर्पसेस. और ज़्यादातर ये अभी जो है कुछ इनमें से जो है ये इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स के लिए या साइंटिफिक और डेडिकेटेड टू स्पेसिफिक डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, ये हमने देख ली थी इसकी इंस्ट्रक्शंस, और फिर डेस्कटॉप वर्चुअल रियलिटी है और सीइंग इन 3D, एक सिंपल वर्चुअल रियलिटी. ये अगर आप बात करेंगे 3D इफेक्ट अगर आ रहा है, वो एक कुछ और है जिसपे शॉपर इफेक्ट आ रहा होता है, जिसपे फाइनर क्लीनर आ रहा होता है, 3D की एक लुक दे रहा होता है. और एक सीइंग इन 3D एक्चुअल वर्चुअल रियलिटी हेलमेट्स जो हैं, वो अगर आप बेसिकली एक डेडिकेटेड एक सेटअप डिवाइस है वर्चुअल रियलिटी बेस्ड है, और उसको यूज़ करते हुए आप हेड की जो मूवमेंट है, जो आपने उसको अंदर फिक्स किया है, डिपेंडिंग ऑन जो उसमें ऑप्शन कंट्रोल है, वो आप उससे करवा सकते हैं. थोड़ा सा इफेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल रियलिटी, अगर आपने ये हेडसेट पहना है, लाइक दिस पर्सन इज बीन सीइंग थ्रू VR, ये जो भी प्रोजेक्टर है या VR, तो डिफरेंट परस्पेक्टिव वे से लोगों को नज़र आ रहा होता है. किसी को नज़र आ रहा है कि ये जो ग्रीनरी पत्ते हैं, पत्ते ऊपर हैं, किसी को पत्ते नीचे नज़र आ रहे हैं, दरख्त ऊपर नज़र आ रहा है, हर एक को डिफरेंट परस्पेक्टिव से नज़र आ रहा होता है. तो थोड़ा सा एक माइंड में एक और चीज़ भी आइडिया आ रहा था, वो एकदम एप्लीकेशन का आइडिया निकल गया. तो ये डिफरेंट एंगल से देखें, इसका डिफरेंट व्यू आ रहा है, डिफरेंट परस्पेक्टिव से इसको डिफरेंट मकसद से शो रहता है. फिर बाज़ औक़ात आप गेम्स में वर्चुअल रियलिटी को तो छोड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम होती है. गेम्स में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि गेम्स में जब आपकी इंटरेक्शन अगर ख़राब हो रही हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर VR बेस्ड गेम है, वर्चुअल रियलिटी है, जिसमें आपने कुछ हेड आपने हेड मूवमेंट के लिए, या आपने हेड से आप कंट्रोल कर रहे हैं राइट और लेफ्ट को कर रहे हैं, ठीक है, और आपने डिफरेंट आर्म पे कोई कोई चीज़ आपने जो पहना हुआ है, जिससे फॉर एग्जांपल आप देखें गेमिंग जोन में कुछ ऐसे भी होती है जहाँ पर आप वो खेलते हैं, मींस के दो ग्रुप्स बना के, और उसके अंदर जो है इंफ्रारेड के साथ वो जो है कलर्स के साथ, या जो डमी जो फायर करना है उस पर कलर्स निकलते हैं, तो वो गेम भी खेल रहे होते हैं. तो वो या शूटिंग वाली गेम होती है, वो भी इंफ्रारेड
बीम जो है उसके थ्रू डिटेक्ट होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं उसकी बीम जो है जिस वहाँ पर ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऑब्जेक्ट पे जिस पे पॉइंट करेगी वो जहाँ पर अगर एक एनिमी है तो वो फायर हो जाएगा या उसको हो जाएगा। तो वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशन में होता है कि अगर आप आइज और हेड की मूवमेंट आपकी परफेक्ट आ रही है, कोऑर्डिनेशन अगर नहीं आपने उस ऐप में टैकल की तो वो मोशन सिकनेस आ जाती है। वर्चुअल रियलिटी मोशन सिकनेस मीन्स के आपकी जब आपकी हेड की मूवमेंट आपने किया और उसका रिस्पांस कुछ देर बाद हुआ और फ्रेम आगे चल पड़ा, अक्सर आप देखते हैं ऐसे, और वो फिर देखें कि आपको फिर प्रॉब्लम आना हो जाता है, आपको आइज़ का प्रॉब्लम, सर दर्द करना शुरू हो जाता है। तो बाज़ अवकात आप देखेंगे कोई गेम आप इंस्टॉल करते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन होती है जिसको कहते हैं हम सिस्टम स्पेसिफिकेशन, तो वो अगर स्पेसिफिकेशन फुलफिल नहीं है तो वो गेम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होती, अगर एग्जीक्यूट हो रही है तो वो प्रॉपरली परफॉर्म और उस तरह उसकी रिएक्शन नहीं आ रहा होता। जिस तरह हम अपने टीनेज में देखें, हमने भी ये काम किया, आप लोगों ने काम किया, गेम्स खेल रहे होते हैं बट उसका डिले आ रहा होता है और जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं वो कुछ देर के बाद जो होता है अगले देखते हैं कि आपने अपने फौजी मार दी, अपने आप को मार दिया, तो ऐसा होता है बाज़ों का। तो इस तरह वी आर बेस्ड जो वर्चुअल रियलिटी बेस्ड है काफ़ी हाईटेक बेस्ड गेम्स बनानी पड़ती है। और अब जो है ऑगमेंटेड रियलिटी का भी कॉन्सेप्ट है, ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब भी यही है। फॉर एग्जांपल आप देखें कि मॉल में तमाम लोग खड़े हुए हैं और सेंटर ऑफ अटेंशन जो है एक बंदा है और वहाँ पर वो कोई चीज़ नीचे नज़र नहीं आ रही, बट स्क्रीन पे जब आप सामने देखें तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि फुटबॉल प्लेस हुआ है वो, और वो फुटबॉल का एम ले रहा है और सामने भी जो है वो कुछ भी नहीं होता बट स्क्रीन पे नज़र आ रहा था कि वो गोल भी है। तो वो जस्ट लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए और वो इस तरह ऑगमेंटेड रियलिटी की एप्लीकेशन की, और जो ही वो अपने एंगल और एक्शन और फोर्स से करता है तो वो पता लग जाता है कि गोल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जिस तरह क्यूआर का कॉन्सेप्ट हुआ, ये एक इसी तरह कुछ अरसे पहले, कुछ साल दो साल पहले, इस तरह दो साल पहले स्टार्ट होना शुरू हुआ कि जो ही आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसके हिडन डिस्क्रिप्शन है या आप इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं वो डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं या वो कोई एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है एक सोसाइटी वाला या एक प्रॉपर्टी वाला, तो वो अब सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहता, तो वो अब सारी इन्फॉर्मेशन उस क्यूआर कोड के अगर हिडन होती है, जो भी वो क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र देख सकता है। इसी तरह आप जब मॉल्स में जाते हैं तो लोगों ने अगर इस तरह ही अपनी मार्केटिंग की हुई है कि अगर एक आप उसका नाम ही स्कैन करें या ये करें तो जो जो उसकी वैरायटी है या जो प्रोडक्ट्स है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो अब यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह अगर आप कोई शॉपिंग करना चाहते हैं ऐप्स ऐसी आ गई हैं, रास्ता आपको रास्ता भी गाइड करने वाली आ गई है, लाइव रास्ता, ठीक है। एक तो आपने कोई ऐप गूगल मैप्स खोली हो ना, एक लाइव ऐप्स ऐसी हैं कि जो आपको रास्ता गाइड कर रही हैं, आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या किसी शॉप पे जाना चाहते हैं वो आपको रास्ता गाइड कर रही है, प्लस जो शॉपिंग करने जा रही हैं आप अपना सेलेक्ट करते हैं तो वो ये भी बता सकते हैं, अगर उस तरह की ऐप्स में वो डाटा बेस में वो स्टोर है कि इस तरह की एक्सेसरीज किन किन स्टोर में, तो आपको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहे होते हैं, प्लस कि आपने कहाँ से स्टोर में क्या वेयर करना है, क्या चीज़ें, वो सारी ऐप के थ्रू भी हो रहा है। तो ये बड़ी डिफरेंट ऐप्स हट के सोचा करें आइडियाज़, ये मैंने पता नहीं कितने आइडियाज़, दो तीन आइडियाज़ बीच में, ये दोबारा अगर गौर से सुने, ये ट्रैकिंग और लाइव ट्रैकिंग की बात है, एक तो GPS के थ्रू, एक तो लाइव जो है वो आपको साथ साथ गाइड भी कर रहा है कि ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सा लेवल आ रहा है या नेक्स्ट कौन सी शॉप है या इसमें क्या इसकी एक्सेसरीज हैं और उस आपने कहाँ जाना है उसके नेक्स्ट कहाँ से कहाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी डिफरेंट आइडियाज़ और ऐप्स और न्यू क्रिएटिव और इनोवेशन की तरफ आप जा सकते हैं, देखें कि किस तरह की ऐप्स बन चुकी हैं, किस तरह का काम हो रहा है, उससे थोड़ा सा बेहतर या नए फीचर डाल के भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो वी आर बेस्ड जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो वर्चुअल रियलिटी को टारगेट कर रही हैं, तो सिमुलेशन होता है उसका एक अक्स किसी भी चीज़ का, एक उसका प्रेजेंटेशन, तो वर्चुअल रियलिटी उससे बेहतर होता है। सिमुलेशन का लफ्जी मतलब ये होता है कि इस तरह नज़र आएगा, इस तरह ये है, ठीक है ना, सिमुलेट करके आप जब दिखा रहे होते हैं, जब आप वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं तो वर्चुअल रियलिटी में जब भी कोई चीज़ किसी के रिप्रेजेंट कर, किसी एक्चुअल का आप एक क्रिएट कर रहे होते हैं वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो आप उसको इतना
उसके एनवायरनमेंट ऐसा माहौल बनाना, उसका एनवायरनमेंट, उसकी फैसिलिटी, उसकी जो भी एक्सेसरीज है, डिवाइसेस है, उसकी इंटरेक्शन और यूज़र की इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही कर देना कि यूज़र को एक्चुअली ऐसे ही महसूस हो कि मैं ही इस एनवायरनमेंट का पार्ट हूँ या मैं ही गेम खेल रहा हूँ. अगर आप गेमिंग कोई किसी कैटेगरी की खेल रहे हो तो आपको ऐसे ही लग रहा होता है कि येस यू आर द पार्ट ऑफ दैट. तो डेफिनेटली जितनी हाईटेक बेस्ड गेम्स हैं और ख़ासतौर पर जो वी आर बेस्ड गेम है उनमें बंदा इतना इन्वॉल्व होता है और एक्सेसरीज और डिवाइसेज के साथ इक्विपमेंट के साथ के बंदे को यही फील हो रहा था येस आई एम द पार्ट. तभी जो है गेमिंग जो है खेलना वो एक नशा है जिनको शौक पड़ जाता है तो वो डेफिनेटली फिर काफ़ी एक्सपेंसिव शौक है. और फिर वो अगर सख्त रखते हैं तो वो अपना एक गेमिंग जोन या अपना एक घर के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट और प्रोजेक्टर्स और डिवाइसेस और ये इसी तरह इंफ्रारेड बेस ये सारे कंट्रोल्स ऐसे रखते साउंड उसकी इफेक्ट ये सारी चीज़ें ऐसे रखते हैं कि वो एक एक सिनेरियो एनवायरनमेंट माहौल बना लेते हैं. और लोग ऐसे खेलते हैं, काफ़ी ऐसे शौकीन हैं जो इस तरह भी दोस्तों के साथ और इंजॉय करके खेलते हुए. तो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सिमुलेटर्स और वीआर को जिस तरह मैं अभी लास्ट पॉइंट में बता रहा था कि सिमुलेटर्स को एक इंटेंडेड व्यू दे रहा होता है, बट वीआर जो है वो रियलिस्टिक एनवायरनमेंट क्लोज टू द रियलिटी. आपको फील ऐसे हो रहा होता है कि आप रियल कंट्रोल या रियल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, जिस तरह ये फाइटिंग की और इस तरह की चीज़ें. तो वीआर बेस्ड भी एप्लीकेशन बनाई जा सकती है. मैंने जिस तरह एविएशन इंडस्ट्री के लिए बताया, इस तरह मेडिकल के लिए बनाई जा सकती है कि डॉक्टर अगर मौजूद नहीं है, कैमरा तो आप लगा रहे और देख रहे हैं वो गाइड कर रहा है, मगर बॉडी के कंपोनेंट्स या किसी भी चीज़ को एक ऑपरेट करना है या कोई चीज़ आपने करनी है तो उसका एक एक सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है किस किस तरह होगा, अगर ये मसला होगा तो कैसे करना है. और ये बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि तो थोड़ा सा स्टडी करें, हट के ज़रा सोचें, अदर देन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम वेबसाइट या इस तरह की कोई थोड़ा सा हटके भी चीज़ों को देखें या किस तरह के एप्लीकेशन किस तरह की फील्ड के लोगों के लिए बनाई जा सकती है. तो सिर्फ जो है एजुकेशन ये चीज़ों से हटके हॉस्पिटल, एविएशन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन इस साइडों पे भी जाके देखें कि किस ऐप्स हैं, किस तरह के सिस्टम बने हुए हैं, किस तरह के उनको चाहिए, तो बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं. और जी यस, तो फिर हम कुछ डिस्प्लेज की बात कर रहे थे तो फिज़िकल कंट्रोल्स एंड सेंसर्स की बात करते हैं. इस पर बेशुमार ऐप्स बनाई जा सकती हैं, बेशुमार प्रोजेक्ट्स बनाते भी हैं लोग और बनती भी हैं, बनाई जा सकती हैं, जिसमें ये बायो सेंसिंग वाली मैंने आपको थोड़ा सा लोग इस पर ज़रा कम जाते हैं बट इमेज प्रोसेसिंग वाली साइड पर आ जाते हैं. तो डिफरेंट डेडिकेटेड डिस्प्लेज वी हैव और पहले एनालॉग रिप्रेजेंटेशन थी और जिसमें ये डायल्स आ जाते हैं, स्पीडोमीटर आ जाते हैं एनालॉग, फिर डिजिटल में आ गए, डिजिटल डिस्प्लेज में एलसीडी, एलईडी ये सारी चीज़ें आ गई. फिर हेडअप डिस्प्लेज में अगर आप बात करें तो ये हेडअप डिस्प्लेज जो है ये एयरक्राफ्ट में, कॉकपिट में ये पहने जाते हैं. बाज़ुकात जो एविएशन या इस तरह की इंडस्ट्री है या एयरफोर्स टाइप है जहाँ पर आपको जहाज़ वगैरह उड़ाना है तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है. मैं एक पार्क चरा सेंटर में एक प्रोजेक्ट एग्जीबिशन थी, मुझे जज के तौर पे बुलाया गया. मैं एक प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ, एक स्टूडेंट ने बनाया, वो अपने तौर पे वो कोई यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं था, मैं उसका आइडिया डिस्कस करता हूँ कि कितना अच्छा आइडिया था और उसने कितनी एफर्ट करके वो चीज़ें बनाई और वो जहाँ जाता था वो फर्स्ट प्राइज़ ही ले लेता था. बट उसमें मुझे कुछ कमी बेशी आई जो मैंने उसको कहा कि वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था. ठीक है, इम्प्रेस बड़ा अच्छा कर देता था डिफरेंट चीज़ों को. उसने क्या किया, डेफिनेटली वो खुद से प्रोग्रामिंग पढ़ पढ़ के और कॉलेज का लेवल का स्टूडेंट था और ख़ुद से प्रोग्रामिंग कर करके उसने वो चीज़ें की और वो करना शुरू की. और उसने एक प्रोजेक्ट एक आइडिया, मैं आपको आइडिया शेयर करता हूँ क्योंकि कुछ नेटवर्क के स्टूडेंट्स भी इवनिंग में मुझे सुनेंगे तो उनको रियलाइज़ होगा और सॉफ्टवेयर वाले भी हैं. उसने क्या किया, उसने एक डिफरेंट सेंसर्स को भी इस्तेमाल किया. देखिए, सेंसर्स को इस्तेमाल करके आप किसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करें, फॉर एग्जांपल ऑफिस सिक्योरिटी के लिए आप ये स्मोक सेंसर्स, फिर नॉइज सेंसर, फिर टच सेंसर्स और इस तरह के एक आध और सेंसर्स लगा के आप ऑफिस सिक्योरिटी के लिए भी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं.
इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइव अपने कैमरे पे, कोई नॉइज मूवमेंट होती है अब ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं, छुट्टी होती है जो ही नॉइज मूवमेंट होती है तो कैमरा तो एक्टिव होता है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता है, लाइव स्ट्रीमिंग आपको आ जाती है, अलर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, आप लाइटें ऑन करवा सकते हैं जो कंट्रोल आप कर रहे हैं, और ये भी एक प्रोजेक्ट है उस पर आप स्मोक सेंसर नॉइज सेंसर डिफरेंट सेंसर को माइक्रो कंट्रोलर एक बना के या इलेक्ट्रिकल वालों से थोड़ी सी माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प लेके आप उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बड़ा ग्रोथ प्रोजेक्ट है। तो ये भी मैं एक प्रोजेक्ट का आइडियाज दे रहा हूँ, इसमें सॉफ्टवेयर वाले नेटवर्क वाले अपने मन तक अपनी मकसद अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के स्टूडेंट भी इवनिंग के भी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, उसका क्या प्रोजेक्ट था, एक और आइडिया शेयर करता हूँ जो डिस्प्लेज और इस चीज़ों से मुझे याद है। उसने क्या किया कि उसने डमी मतलब एक टैंक बनाया छोटा सा, एक मॉडल डेफिनेट लाइफ, उसके साथ सेंसर्स लगा दिए और उसने काफ़ी सारे सेंसर्स 4-5 लगाए, जो जो मेरे अभी मेमोरी में आ रहा है मैं लगा रहा हूँ। उसने क्या किया कि फॉर एग्जांपल आप टैंक में बैठे हुए हैं और आपने बाहर दुश्मन भी है और आपने कोई खुफिया आपने कम्युनिकेशन करनी है एक टैंक से दूसरे टैंक, उसने वो भी कुछ इस तरह मैकेनिज्म करके बताया, मुझे अब याद नहीं आ रहा वो किस तरह उसने किया था। फिर दूसरा उसने सेंसर लगाए कि जो आगे हर्डल आ रही है या ऑब्स्टिकल आ रही है वो उसको सेंस करता था, और उसने आगे एक उसने पीस एक लगाया हुआ था कि जो उस हर्डल को आगे से हटा देता था, कोई उसने जरिए था जिस तरह हम जिस तरह कोई सामान या कोई आगे जब लोग मजदूर कर रहे थे बेच रहे थे, उसने कोई ऐसी डिवाइस आ गई थी जो पहले सेंस करती थी कोई ऑब्स्टिकल है तो उसको आगे से हटा लेती। फिर उसकी इंटरनल जो भी उस टैंक के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी डिटेल को कैप्चर करना, उस टैंक के अंदर जो भी कुछ लाइट्स है या इक्विपमेंट है उसको ऑन ऑफ कंट्रोल करके वो दिखा रहा था, प्लस फिर जो है शायद नॉइज सेंसर्स के साथ भी उसने कुछ कोई दिखाया था एक्टिव कोई बाहर कोई चीज़ है तो वो सेंस करके फिर आगे उसकी मूवमेंट टैंकी करा था नहीं करा था, तो बहुत सारी कुछ चीज़ें उसने कर रहा था। फिर मैंने उसको आइडिया दिया, देखिए मेरा आइडिया देखिए जो उसने वो काम नहीं किया जिसके लिए वो कर सकता था, फिर उसने कहा कि यस सर ये बात हो रही है, पता नहीं उसने वैसी कहानी करने के लिए ये कहा। मैंने कहा तुम यार इसी प्रोजेक्ट में थोड़ी सी इनोवेशन ये लाओ कि जिस तरह माइंड को डिटेक्ट किया जाता है, जिस तरह हमारे आर्म फोर्सेस जवान जब बेचारे रैकी कर रहे होते हैं किसी इलाके के आगे पीछे या हमारे ही ऐसे इलाकों में जो जहां पर लोग तखरीबकारी करते हैं आगे रस्तों में, अक्सर अब आए दिन सुनते रहते हैं कि जवान रैकी कर रहे थे और माइंस पे ब्लास्ट हो गया और वो उड़ गए और जहां में शहादत नोश पाया। तो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं नस्ट वाले, खासतौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट करते रहते हैं और इस तरह के उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए भी हैं, और उनके साथ जारी बात है जो जितने भी इंजीनियर्स हैं ना वो आर्मी के दिमाग होता है, ये स्टूडेंट जो है ना वो इतने जीनियस उसके वो नस्ट वाले भी इतने नहीं है, दिमाग उनका होता थोड़ी बहुत इनका लेवल होता है, बाकी सारा वो करवा रहे होते। अच्छा, अब उसमें क्या है कि आप माइंड डिटेक्टर, यानी माइंड डिटेक्टर का मतलब है कि आप ऐसी मशीन या डिवाइस जाट कर लें कुछ भी जो आगे किसी सर्टन एरिया को उसको डिटेक्ट करे और जहाँ पर भी वो माइन आ रही है उसको डिटेक्ट करके अलर्ट जनरेट करे, और जब तक वो क्लियर नहीं करती उस जगह तक वो कोई आगे नहीं जा सकता। तो जो जो वो रैकी करते हैं और वो माइन डिटेक्टर जो भी मशीन है गाड़ियाँ हैं जो भी है अगर होगी, अगर वो नहीं कर पाया या अगर कोई उसको बाहर से दूर से टारगेट कर रहा है तो वो उसको पहले उड़ाएगा, तो उससे कोई जारी नुकसान हमारा तो नहीं होगा। ठीक है, अब वो ये टेक्नोलॉजी जितनी सोफिस्टिकेटेड अच्छी बनाएंगे जितना बेहतर से बेहतर करते जाएंगे उसकी कॉस्ट कम आती जाएगी, तो इंसान की जान से तो बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे आर्म फोर्सेस है जो ऐसी जगह पर रैकी करे दुश्मन के एरियो में या अनक्लियर एरिया है या अनऑथराइज्ड एरिया, तो उसमें उसको करने के लिए एक लैंड माइन डिटेक्टर टाइप बनाई जा सकती है, उसके साथ और कंट्रोल फीचर्स दिए जा सकते हैं बहुत सारी। तो वो डेफिनेटली आप सिस्टम सॉफ्टवेयर आपकी डिग्री है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप इस तरह की भी चीज़ों को सोच के इस तरह की चीज़ों के लिए भी काम कर सकते हो। और ये प्रोजेक्ट बनाए हुए काफ़ी सालों पहले, उसमें कुछ इनोवेशन कोई और नई फीचर्स और कोई नई चीज़ें कर सकते हैं और बेशुमार नई राहों पर नई चीज़ों पर सोच सकते। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह वो क्रिकेट में एक होता है दूसरा बॉल,
बॉल जो दूसरा जिस तरह से क्लैन करता था उसका एंगल को जज करने के लिए कि भाई वो जब आप बॉल फेंक रहे हैं, बल्कि दूसरा नहीं जो भी कोई बॉल फेंक रहा है तो उसका आप देखें एंगल क्या होगा और वो कोई वट्टा तो नहीं फेंक रहा इस तरह। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अब जो मैचेस कुछ आपने देखे होंगे तो अंपायरों ने भी वो फुल एक जिस तरह गैलेक्सी नहीं होती गोल सा, उसी तरह का एक हेड के ऊपर वो पूरा डिवाइस पहनी होती है और कैमरे तो अलग लगे होते हैं, फ्रंट बैक कैमरा जो भी व्यू देखना चाहे, साउंड भी आपकी आ सकती है, प्लस वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसको उसमें लेग बिफोर विकेट भी ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो सकता है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और प्लस जो है जो 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 एंगल जज करना है वो उसी टेक्नोलॉजी। तो वो जब वो बड़ा बड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ जो सईद अजमल जब का इशू हाईलाइट हुआ, हालांकि उससे पहले जो अश्वन है इंडिया का उसको किसी ने कैप्चर नहीं किया, जो ही पाकिस्तानी कोई पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू करता है तो उसका कैरियर खत्म करने के लिए वो कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हफीज करते भी होंगे लोग, लाइक फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी जब टॉप पे था तो उसका उसको स्टॉप करने के लिए उसका उसको पे बैन किया और वो सारी उसकी किस्त उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गया, अभी तक उसकी क्रिकेट शॉट ही नहीं हो पा रही, तो बॉलिंग तो अभी कभी फिर ब्लॉक करते हैं कभी फिर, तो उनको वो नजर नहीं आता वो जो था वो यार वो मुरलीधरन वो क्या करता था। अच्छा उसके अलावा जो वो अश्विन है इंडिया का वो तो कितना वो उसका एंगल मुड़ जाता था, अलाउ होता है पता नहीं कितना विद इन 15 डिग्री एंगल होना चाहिए क्या, तो सईद अजमल का जब पता लगा तो वो पता नहीं 20 25 25 था, तो डेफिनेटली वो यूज पर, तो पहले क्यों नहीं भाई पहले क्यों नहीं के? तो वो देखे मलिंगा किसी को नजर नहीं आता, वो मलिंगा का आम मलिंगा का एंगल किधर से जाता है वो किस तरह मारता है वो जज ही नहीं होता। तो बहुत सारी एप्लीकेशन बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और डेडिकेटेड डिस्प्लेज जहाँ पर है उनके लिए शो किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट की किस जगह आपने प्लेस करना क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर हमारा डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में आप देखें कि लोग जो कुर्सियां तोड़ देते हैं ये कर देते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में एक थोड़ी सी अप्रोच मेच्योर होती है और अक्सर आपने देखा होगा कैमरे को भी छेड़छाड़ करते रहते हैं, वो सिक्योरिटी वाले ऊपर से आ जाते हैं वो ट्रैक कर लेते हैं, ये सब कुछ स्टूडेंट्स को पता है कि ट्रैकिंग भी हो रही होती है, जो ही छेड़छाड़ करते हैं एंगल वो डेली सिक्योरिटी वाले उसको देख रहे होते हैं मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कहाँ से निकला किस जगह से आया क्या हुआ, तो वो ट्रैक कर लेंगे उसकी खैर नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड जो डिस्प्लेस पे लगा हुआ है उसको सटली कंट्रोल करके मैसेजेस न्यूज़ अपडेट्स डाली जा सकती है और इन्फॉर्मेशन शेयर की जा सकती है, तो वो भी एक अच्छा एक प्रोजेक्ट है और होता है लोगों में और यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि डिस्प्लेस और ये बाज़ुकात प्रॉपर एलईडी के साथ होता है, बाज़ुकात आप देखें कि जिस तरह आप दुकानों में जाते हैं तो खुश आमदेद और वेलकम और इस तरह की वो स्लाइडर चल रहा था उस तरह, तो लार्ज डिस्प्लेस की बात है वो कंट्रोल हो रहा था, बट अगले दिन फिर आपको एलईडी नज़र नहीं आएगी, ठीक है लोग तोड़ देंगे लोग उसको गिरा देंगे, तो ये कल्चर है ठीक है, ये हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात ही करें ये हमारे माशरे में ऐसा है तो ऐसा होता है ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन बनाना आप एप्लीकेशन बना सकते हैं एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं वो किसी भी इंडस्ट्री को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन पे आप उसको सेल आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड है और आप अपनी ये ऐप इंस्टॉल करें और जो वो जो भी आपकी डिस्प्लेज लगे हुए हैं अगर वो आप ही आपके उसके एक्सेस में आ रहे हैं तो आप जो ही उसको सेट करेंगे वहाँ पर हो जाएगा, प्लस आप उनको थ्रू IoT के थ्रू भी कुछ ट्रैक कर सकते हैं और उसको मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हैं, डिवाइसेस को कोई IP वगैरह दे के उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको भी कोई मैसेज कर सकते हैं, आप ये जो है ना CCTV इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बना ले, CCTV सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए नहीं उसको रिकॉर्डिंग के लिए उसे सर्चिंग के लिए और एंड प्लस ऑन, तो जो सॉफ्टवेयर बना है उससे हटके कोई फीचर्स दें उसके उससे बेहतर कोई फीचर्स दें। तो मैंने मेरे ख्याल से अभी इस लेक्चर के दौरान अभी 35 मिनट्स का लेक्चर और उससे पहले 10-12 मिनट का एक पहले लेक्चर था वो डिस्टर्ब हुआ, तो ये इसमें 10-12 आइडियाज़ या प्रोडक्ट
चीज़ें बताई हैं ताकि लोग थोड़ा सा हट के सोचें। ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये चैप्टर्स जो होते हैं, ये पॉइंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड अगर टीचर एग्जांपल इंडस्ट्रियल कोई रिलेट प्रोडक्ट कोई सॉफ्टवेयर से उससे रिलेटेड जुड़ी हुई कोई चीज़ें बता रहा है तो आपके समझाने के लिए बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं डेडिकेटेड डिस्प्लेस। स्लाइड इसकी अभी थोड़ी बहुत ही रह गई हैं, तो लेक्चर भी तकरीबन हम अभी 10-15 मिनट का करेंगे तो इंशाल्लाह ये ख़त्म भी हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करें, एरगोनमिक्स का टॉपिक है, बड़ा मज़े का है, विजुअल बेस्ड, और वो जो है वो लेक्चर जल्दी ख़त्म होगा और उसके साथ ही हम इंटरफेस टाइल्स का लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। तो साउंड्स भी जो है एज एन जो आउटपुट डिवाइस है, और साउंड जो डिफरेंट तरह की साउंड्स होती हैं वो सिस्टम्स कन्वे कर रहे होते हैं, उसमें बीप्स भी हैं, विसल्स भी हैं, वेयर्स भी हैं, अपना अपना मकसद कन्वे कर रहे होते हैं। अगर कुछ अगर प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसकी साउंड कुछ और है, अगर मैल फंक्शनिंग है तो आप देखते हैं वो बीप 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 की आवाज़ देता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर एग्जांपल हमारे जहाज़ वगैरह भी, उसमें मैल फंक्शनिंग की उसकी साउंड कुछ और होती है, जो नॉर्मल कुछ ओके या एक्नॉलेज की साउंड उसकी कुछ और होती है। तो साउंड्स भी जिस तरह इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है विजुअली, इस तरह आवाज़ के थ्रू भी विजुअल्स भी कुछ इंफॉर्मेशन, कलर्स भी अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, तो साउंड्स भी जो है उनके थ्रू भी यूज़र्स को कन्वे किया जा सकता है, यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। जिस तरह आप लोग अपनी साउंड्स के थ्रू सेटिंग रखते हैं, या जिस तरह कोड टैग कोड वर्ड्स आप लगा लेते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एरर इंडिकेशन की डिफरेंट साउंड आ जाती है, कन्फर्मेशन ऑफ एक्शन यानी जब कोई आप एक्शन इन्वोक कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे सिस्टम में, यानी ऑन क्लिक आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया उसकी साउंड कुछ है, तो डिफरेंट साउंड की रिप्रेजेंटेशन उसके भी मैसेज कन्वे किया जाता है। फिर आपके टच बेस जो है या वाइब्रेशन फीलिंग बेस सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में वाइब्रेशन फीलिंग है, उस पर आप उसकी वाइब्रेशन की आप उसकी सेटिंग रख सकते, मतलब आपको पता लग सकता है कि क्या मतलब कॉल आ रही है, मैसेज आ रहे हैं, मैसेज पे रखा है, कॉल पे रखा है, कितनी वाइब्रेशन सेट की हैं, क्या फिर इस तरह टोन बेस्ड भी है, सारी चीज़ें वाइब्रेशन बेस्ड भी हैं। और फॉर एग्जांपल सिमुलेशन की बात करें तो फीलिंग ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हैप्टिक डिवाइसेस, तो ये फॉर एग्जांपल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की बात मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल हो रही होती हैं, और वो सारी अगर आप उसका एक सिमुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि उसको किस तरह इस्तेमाल करना है किसी पर्टिकुलर एक ऑपरेट के अंदर, उसको कैसे इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके कैसे करना है, तो वो दैट इज़ टच बेस्ड है, फील बेस्ड है। और आप उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हो बट आप को ऐसा फील हो रहा हो कि आप रियलिटी में वो चीज़ कर रहे हैं, रियलिटी में एक, वरना तो वो लाश को पकड़ते हैं मेडिकल साइंसेस वाले। और देखिए इसके लिए भी हो सकता है, आई डोंट थिंक सो कि इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना हो, वरना तो आपको पता है वो लाशें ली जाती हैं, और अल्लाह माफ़ करे कोरोना के लिए भी वो यही काम हो रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल वाले ख़रीदते हैं जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी है वो हमें दे दी जाए, और उसका फिर बाज़ औक़ात ये करते हैं उसका चेहरा या उसका वो उसकी स्टिचिंग वगैरह करके वो उसको स्टिच करके साइड पे करते हैं, बाकी बॉडी होती है। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट्स या उनको ट्रेनिंग देनी होती है तो वो बॉडी, ये नहीं है कि 25 साल पुरानी बॉडी लेते हैं, वो लाइव बॉडी का अरेंज करते हैं। लाइव बॉडी से मतलब है कोई वो कुछ रिसेंटली सर्द खानियाँ पड़ी हुई या कोई वाली वायरस ना, तो वो ले लेते हैं। तो और इसी तरह ये चीज़ें, ये कारोबार है भाई, क्या कर सकते हैं। तो मेडिकल वालों को ट्रेन करने के लिए फिर उस पर लाइव दिखाते भी हैं, पहले तो दिखाते हैं खुद और सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, फिर उनको बॉडी पकड़ा देते हैं, तो वो सारी वहाँ बेहोश हो जाती है गिर के। ऐसे ही होता है, जितने भी डॉक्टर्स हैं वो जितने भी दिल गुर्दे वाला हो, जब चीर फाड़ होता है और आंतड़ियाँ और वो अंदर खून ये सारी निकलते हैं, तो वो जितना भी वो टैप टूश हो जाता है, वो फिर वो उठता है और फिर आस्ता आस्ता सो जाता है। कोई भी ऐसा नहीं, और भाई हमारे सामने किसी की ब्लीडिंग हो रही हो और कोई अल्लाह माफ़ करे एक्सीडेंटल हो, या कोई लाइव एमिनेशन में कोई इफेक्ट हो, या कोई ऐसे ऑर्गन्स में बॉडी हो, तो हमारी तो कितना भी दिल गुर्दे वाला, वो देखते हैं फिर कितना दिल गुर्दे वाला है, उसकी क्या हालत होती है। तो दैट इज़ वाई अगर उस सेक्टर पर भी कोई एप्लीकेशन यह बनाई जाए कि जिस तरह वो पढ़ाते हैं एनाटॉमी, मुझे याद आ रहा है क्योंकि माई ब्रदर इज़ ऑल्सो डॉक्टर
विंग चाइन है, तो एनाटॉमी मुझे एकदम याद आ गया. एनाटॉमी जो होता है उसकी बॉडी के ऑर्गन्स पार्ट्स, उसकी साइंस के कैसे है, तो जिस तरह वो अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो पहले तो आपको वो समझनी पड़ेगी, फिर अगर उसका एक 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 इसका सिमुलेशन या वी आर बेस्ड टाइप, ऐसी वी आर में क्या उसमें चीर फाड़ में आवाज़ें तो नहीं निकालेंगे डेफिनेटली. उसके स्किन की आपको पता है 7 लेयर्स होती है, अल्लाह ताला ने जो स्किन सामने रखी है उसके अंदर टोटल 7 लेयर्स होती है, और आपकी इतनी प्रोटेक्टेड होती है लेयर नीचे जाके, और फिर वो जो आपके ऑर्गन्स आ रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला की कुदरत है, सुभान अल्लाह, तमाम लोग बोल रहे हैं दिल में, तो ये इट्स अ पावर ऑफ, इट्स अ मिरेकल, और नोबडी कैन, कोई टच भी कर सकता हो कोई इस बात तक, जितनी अल्लाह ताला की कुदरत है. ये देखिए अल्लाह ताला की ही कुदरत है, बीइंग अ बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ बीइंग अ आई एम बीइंग अ मुस्लिम, ऑल बिलीव एंड यू आर अ मुस्लिम, और जो भी जिसको एतकाद है वो ये कहता है कि अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है और अल्लाह ताला की मंशा है, जब तक ये चलेगा ये ऐसे ही चलेगी, और जब अल्लाह ताला चाहेंगे, वो था ना कुन फायकुन, कुन कहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और जब वो चाहेंगे वो हो जाएगा. तो अल्लाह ताला हमें सबको ये माफ़ करे, और ऐसे हमें पेंडेमिक से हमें आज़ाद करे, ताकि तो स्मेल एंड टेस्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी ज़रा लिमिटेड, बट स्मेल बेस्ड जो है ना, सेंसर बेस्ड जो स्मोक सेंसर है, मैंने स्मोक सेंसर का जिक्र किया है, तो स्मोक सेंसर इज डेफिनेटली दैट सेंसर विच इज सेंसिंग द स्मोक, कोई धुआं शुआं, ठीक है ना, वो एक शेर है, धुआं धुआं कहाँ से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है, तो ये स्मोक सेंसर यूज़ किया जाता है, और अगर वो आ रहा है तो उस पर फिर अलर्ट्स और जनरेट की जाती है, और धुआं जो जारी बात है फिर ज़्यादा ही होगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना फायर अलार्म अलर्ट्स हैं, और होना ये चाहिए कि पानी जहाँ पर धुआं है उसी जुरिस्डिक्शन में वो पानी खुले, ठीक है, पाइपों के थ्रू, बट ये कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तबाही मच जाती है, पानी खोल दिया जाता है, तो वो ऊपर छतों पर से आगे पीछे से. तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इम्प्रूव भी करना है, कि एक तो सिर्फ ये है कि अलर्ट्स हो जाती हैं, बट अब पता ही ना लगे, ट्रैकिंग ही ना हो कि कहाँ आप धुआं निकल रहा है, तो उसको एक्चुअली जहाँ पर से वो स्मोक सेंसर है, अगर जिस अब ये कर सकते हैं कि वो जितने भी सेंसर लगे हुए हैं, ये तो नहीं कि पूरी बिल्डिंग में एक सेंसर लगा है, हर रूम में एक सेंसर लगा हुआ है, उसको सेंस कर रहा है उस पूरे फ्लोर को या रूम को, बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ द सेंसर, तो उसको अगर हम उसको हम IoT बेस्ड हो GSM बेस भी कर सकते हैं, कि अगर उसका हर सेंसर का अगर हम एक ट्रैकिंग या उसका एक कोड दे, तो आप इंटेलिजेंटली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे ये कार्रवाई हुई है, कहाँ से किस सेंसर ने ये अलर्ट जनरेट किया, डेफिनेटली वो एक अलर्ट अलार्म उस फ्लोर में और आगे पीछे भी जारी होता है, ताकि लोग कॉन्शियस हो जाएं कि ये अलर्ट जो है, ये साउंड जो है, ये फैमिलियर है, और हमें भी केयरफुल होना है. फिर ये हो सकता है कि जिस उस एप्लीकेशन में ये हो सकता है कि जिस आप सेंसर की जिसने ये अलर्ट जनरेट की है, तो उस जगह की जो भी जो पाइपिंग है, जहाँ पर पानी की वेसल्स हैं, वो वहाँ पर वो उसको क्योंकि धुआं तो हो रहा है, वो डालना शुरू कर दे, बाकी कहीं नहीं, तब तक जो है या तो लाइव अलर्ट आ जाए और लाइव व्यू भी आ जाए, ताकि लोग देख सकें, और अगर पानी नहीं भी खोलना तो वहाँ पर फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स और ये सारी चीज़ें. अब इट डिपेंड्स अपॉन इंटेलिजेंटली अब उसको कैसे बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कि टाइम शिफ्ट चल रही है, कोई है नहीं, अगर नहीं है तो फिर बाज़ का तो खुद ही कोई सिस्टम रह गया, और जो कहते हैं ना हीट की वजह से वो वायरिंग सड़ जाए और वो जलना शुरू, ऐसा होता है. तो आप इसको इंटेलिजेंटली बना सकते हैं, इंटेलिजेंटली इसको स्मार्ट कंट्रोल और ट्रैक कर सकते हैं, इट्स स्टिल अगेन एन प्रोजेक्ट आइडिया, और वो फीलिंग फीलिंग नहीं, सॉरी, स्मेल बेस्ड है, और उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, तो ये इट्स एन अगेन एन आइडिया, प्रोजेक्ट आइडिया, और जो लोग अभी प्रोजेक्ट के बगैर हैं, इवनिंग में भी या मॉर्निंग में भी वो शेयर कर सकते हैं, वो आइडिया डिस्कस कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, तो इसमें से भी आपको एक आइडिया मिल जाता है, जो सेंसर्स बेस को यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पर नेटवर्क के काफ़ी लड़के हैं, वो प्रोजेक्ट आइडिया ले सकते हैं, डिस्कस सकते हैं नेटवर्क के टीचर्स, और डेफिनेटली उस पर थोड़ा स्टडी करें और बताएं कि कहाँ से आपने आइडिया सुना है, किस मतलब लेक्चर में और किस पॉइंट पे उसको डिस्कस करें. आई होप के यू विल अचीव अ लॉट ऑफ गुड रिमार्क्स एंड गुड, और मुझे भी दुआएं दे दीजिएगा फिर.
फिजिकल कंट्रोल्स हैं जी, फिजिकल डिवाइसेस है, उस पर भी आप लेआउट्स और डिफरेंट इंडस्ट्रियल जो यूनिट होते हैं उसके डिस्प्लेस डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके उसका जो इंटरफेस है, उसके जो लेआउट्स है, उसके जो कंट्रोल्स हैं वो डिफरेंट है। जो इंडस्ट्रियल आपकी जो प्रोडक्ट है उसके डिस्प्लेस या उसकी जो फीचर्स है उसके, वो उसमें डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं, बड़े बड़े फॉन्ट्स में और डिफरेंट व्यू उसके इंटरप्रिटेशन होती है। फिर आपके पास इस तरह की फील्ड भी आ जाती है बायोसेंसिंग एनवायरमेंटल बेस्ड। तो एनवायरमेंटल बेस्ड तो आप देख रहे हैं सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, और आप घरों के लिए भी जिस तरह कैमरा है, अगर वो तो सिर्फ व्यू कर रहा है, आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक ऐप बना सकते हैं, और कैमरा जो कैप्चर कर रहा है लाइव, आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, जो ही आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आपके घर के करीब नज़र आती है। लोगों ने सिक्योरिटी बेस के लिए एप्लीकेशन बनाई हुई है। आप मूवीज़ में देखते हैं कि आप अगर घर में हैं या घर से बाहर हैं, अगर घर में भी हैं तो आप वो होम सिक्योरिटी सिस्टम, और ये कॉल सेंटर्स में, जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, ये प्रोडक्ट गोरों की जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया में सेल आउट कर रहे होते हैं। और ये नहीं है कि आप पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं, आप बाहर कॉल्स करते हैं, उसमें कॉल होती है इनबाउंड कॉल्स और आउटबाउंड कॉल। इनबाउंड लोकली होती है और आउटबाउंड होती है आप बाहर कॉल कर रहे हैं, कॉल आपको करनी पड़ती है आपको के लिए। तो आप सेंसर्स यूज कर सकते हैं, आपके उसमें नॉइज सेंसर्स है, आपकी कोई भी नॉइज है, और वो सेंसर्स की सेंसिटिविटी कितनी है कि स्मॉलेस्ट एक कीड़ा भी रेंग रहा है कि वो सेंसर्स आपने बार बार लगाए, डिपेंड्स अपॉन प्राइवेसी और सिक्योरिटी, आप कितनी चाहते हैं और कितना आपके पास इक्विपमेंट फंड है तो आप उससे लगा सकते हैं। तो वो नॉइज है, स्मोक सेंसर है, आपके टच बेस्ड है, सॉरी उसमें नॉइज बेस्ड है, टच बेस्ड है, टक की आवाज़ है या कुछ भी, तो वो इट डिपेंड्स अपॉन और सेंसर्स, और इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है आपके गेट के आसपास, और वो इस अगर वो खड़ा हुआ है और कंटिन्यूसली वॉचिंग कर रहा है तो वो आपका जो कैमरा है वो उसको डेफिनेटली लाइव मोमेंट कैप्चर कर रहा है एकदम, उसको डिटेक्ट करेगा या दूर से करेगा। और ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ऐसे लगे ये कैमरे की आंख आपको देख रही है और कैमरे एक्सर चलते ही ना, तो वो आपको कैप्चर कर रहे हैं और वो आपके सॉफ्टवेयर उसके अंदर इम्प्लांट है, वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करे और उसकी मूवमेंट अगर है तो वो अलर्ट जनरेट कर रहे, वो नॉइज जनरेट कर लेगी कोई साउंड या लाइटिंग तो एकदम वो भाग जाएगा, तो वो या कोई, तो इट डिपेंड्स अपॉन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी भी ये यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, इस तरह कार सेंसर्स हैं, अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी के लिए यू डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह कहते हैं कि जी अभी तक देखें कि जो खुद को हमला आ रहा है उसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाता, मतलब कोई डिटेक्शन उसको कर ही नहीं सकता एकदम, जो उसने अगर पहना हुआ है या माल जो उसने भी अंदर पहना हुआ है, जो आप कह सकते हैं हालात वाकयात उसने बनाए होते हैं अंदर, उसकी चाल और ढाल और उसकी वेट और उसकी एक्सप्रेशन जेस्ट करके, वो सिर्फ आप मतलब एआई की टेक्निक यूज करके उसको गेस करके जज करके आप उसको खुद कुछ हमलावर आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिक्लेयर नहीं कर देते, बट सस्पिशियस एक्टिविटी अगर है, उसके इंप्रेशन, उसके चलने की अदा जो है, और इन फ्रंट ऑफ कम्युनिटी वो कैसे चल रहा है, उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, तो ये बाहर जो है वो लाइव, खासतौर पे चाइना की बात करूँ तो वो तो एक एक बंदे की मूवमेंट एक्सप्रेशन, जैसे उन्होंने तो इस तक भी काम कर लिया कि अगर आप अच्छे मूड में जा रहे हैं और एकदम मूड आपका डिफरेंट है, एंग्री है, किसी और वे में जा रहा है, तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं, आप कैप्चर हो जाते हैं और आपको ट्रैक कर लिया जाता है, और आपके पास लोग पूछने के लिए भी आगे आ जाते हैं किसी पॉइंट पे कि यार, तो ये बाज़ूकात किसी एंग्री मोड में या किसी ऐसे मोड में आप जा रहे हो या किसी लड़ाई के मोड में जा रहे हो, एकदम जैसा जेस्चर है, जेस्चर कैप्चरिंग है, तो वो हर बंदे की कर रहे हैं अल्गोरिदम उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं, और वो उस पे कोई खुशनुमा वाक्य होने से पहले पहले डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इवन आपके बॉडी के जो टेम्परेचर है, बॉडी सेंसर्स हैं, हार्ट रेट है, स्किन रिस्पॉन्स है, खासतौर पर हार्ट बीट और ये सारी चीज़ें, इस पर भी ऐप बन रही हैं कि आपकी हार्ट बीट ली जाए, पल्स पल्स जो है आपकी क्या चल रही है रेट, और अगर एक पल्स एकदम कईयों की लो हो जाती है, कईयों की बहुत हाई हो जाती है, कोई भी एक्टिविटी हो तो उसकी बेस पर, मैंने शायद आपको पहले भी आइडिया दिया था, उसकी बेस पर लाइव सर्वर पर डेटा जा रहा हो,
कोई मिसअप होने से पहले पहले या मिसअप हो रहा हो तो आपकी किसी की लो हो रही होती है पास किसी की हाई, तो वो डिटेक्ट हो जाए, उसकी लोकेशन डिटेक्ट हो जाए, जो भी आपने ऐप आप यूज़ की हुई है विच इज़ लाइसेंस्ड पुलिस और ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। जिस तरह गाड़ियों में अब रिमोट कंट्रोल है, सेंसर्स बेस्ड आ रहे हैं, तो आप उसके अंदर भी ये इमेज प्रोसेसिंग और वॉइस बेस्ड रिकग्निशन बेस्ड आप उसको कोई एक्टिविटी चीज़ें करवा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दैट्स व्हाई मैंने कहा था ये कंप्यूटिंग का तो बेसिक है, बट इसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बेशुमार आपको एप्लीकेशन ऐप्स और आइडियाज़ मिलेंगे। प्रिंट आउट अभी ऑलरेडी फेमिलियर, आई एम जस्ट क्विकली स्किपिंग, टाइम भी हो रहा है। प्रिंटिंग डॉट मैट्रिक्स डॉट पर DPI बेस्ड है, जिसकी DPI अच्छी होगी उसकी रेजोल्यूशन अच्छी हो जाएगी। डेफिनेटली जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसकी कैपेसिटी। तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स भी हैव, और उसमें फॉन्ट्स की बात करें तो फॉन्ट्स का इस्तेमाल, और डेफिनेटली ये थोड़ा सा दिखाया भी है कि डिफरेंट फॉन्ट में करेंगे, डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, और फिक्स्ड पिच फॉन्ट्स भी होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। फिक्स पिच में कोरियर में देखें एग्जांपल में लिखा है, उसमें एक स्पेस एक जैसी नज़र आ रही है, मगर नीचे वेरिएबल पिच में टाइम्स रोमन में देखें टी और आई में कितना डिफरेंस है। फिर अब आप देखें कि हम लोग जब कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं हम टाइम्स ही रोमन और वर्डेना और या एरियल ब्लैक ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो जो आपको स्क्रीन को पढ़ने के लिए, लेट से मैं आपको बता दूँगी, जो स्क्रीन को पढ़ने के लिए जो फॉन्ट है वो सेरिफ फॉन्ट है, वो प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ने के लिए, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो सेरिफ फॉन्ट को आप सिलेक्ट करें उसको पढ़ें, और अगर आपने स्क्रीन पे पढ़ना है तो वो सेंस सेरिफ जो है वो स्क्रीन पे पढ़ने के लिए, जिस पे इक्वल एंडेड जो स्क्वायर इक्वली एंडेड है, जिस तरह एच की आपको दिया है, जिस तरह है हेल्वेटिका लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल इक्वल विड्थ और इक्वल जो भी करेक्टर है उसको इंडिविजुअली उसको स्ट्रोक से लिखा गया है। तो सेंस सेरिफ फॉन्ट जो है वो स्क्रीन पे पढ़ने के लिए बेस्ट है। और जो आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर लिया उसको इस फॉन्ट में रखें, उसको सेरिफ फॉन्ट में लिखें। सेरिफ फॉन्ट में जब आप ये देखें नीचे आप लिख रहे हैं तो उसमें प्रिंटिंग या रीडिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। और हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हमने टाइम्स रोमन जॉर्जिया एरियल ब्लैक एरियल इन चीज़ों से हटके हम यूज़ नहीं करते। तो जबकि वो अगर आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करके पढ़ना है तो वो सेरिफ स्क्रीन पे पढ़ना है, विच इज़ उसको अवॉइड करना चाहिए लेंथी। अगर थोड़ी देर के लिए पढ़ना है तो वो सेंस सेरिफ फॉन्ट में लिखा हो तो ज़्यादा बेहतर है। रीडेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट लोअर केस की कम है और अपर केस की कम है, सॉरी बेसिकली, और लोअर केस की वो बढ़ जाती है। अगर पैराग्राफ को सारा को कैप्स में लिख दे तो उसको उसकी रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, पढ़ने में मुश्किलात होंगी। तो दैट्स वाई हर पैराग्राफ का जो पहला वर्ड का पहला करेक्टर उसको कैपिटल में लिखा है, जो उसकी ग्रामर में डिफाइंड होता है। अगर आपने कुछ ऐसे टेक्स्ट पढ़ने हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आप एयरपोर्ट पे है और फ्लाइट का जो नंबर है या स्टेटस है ये सारे कैप्स में लिखा होता है, सो दैट दूर से ऑब्वियस और विजिबल हो, और स्मॉल में लिखा जाए तो उसकी रीडेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर रूम नंबर है या फ्लाइट नंबर है या हम कॉन्फ्रेंस रूम नंबर है या कौन सा फ्लोर है, ये सारे देखिए कैप्स में लिखे होंगे, तो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट और इसकी ज़्यादा रीडेबिलिटी होती है। मेमोरी की बात करें तो शॉर्ट टर्म मेमोरी रैम है विच इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसमें इट होल्ड्स द करंट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यू ऑल नो नॉन वोलेटाइल होती है, और सम नॉन वोलेटाइल रैम यूज टू बी स्टोर बेसिक सेल्फ इंफॉर्मेशन। तो वोलेटाइल रैम डिस्ट्रॉयबल इंफॉर्मेशन हो जाती है जब करंट होल्ड इंस्ट्रक्शन होती है, और उसमें बायोस की बेसिक इंफॉर्मेशन भी हो रही होती है और वो कट गई होती है। और रैम अब तो माशाल्लाह GBs में आ गई है, और मैग्नेटिक डिस्क ऑप्टिकल डिस्क है, फिर आपके पास USB में, फिर आपके पास डेडिकेटेड आपके पास ड्राइव्स आ गई हैं, और टेराबाइट्स में अब आपके पास आ गई हैं। तो डोंट नीड टू वरी अबाउट कि आप USB और ये चीज़ें करें, टेराबाइट अगर हार्ड डिस्क आपके पास है तो आप कर सकते हैं। और लाइक मूविंग टूवर्ड्स वर्चुअल मेमरी, वैसे ही सिर्फ शेयर करा था, वर्चुअल मेमरी आपकी जो भी मेमरी उसी में से एक एक्स्ट्रा स्पेस ले ली जाती है, और प्रोग्राम का अगर आपने उसका साइज़ इंक्रीज करना है, क्योंकि रैम जो है वो सिर्फ प्रोग्राम का करंट प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन होल्ड की होती है, रैम का प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे कोई नहीं होता, वो जो स्पीड का ताल्लुक होता है वो आपके प्रोसेसर से होता है। लोग कहते हैं ना यार रैम बढ़ा दो स्पीड तेज, तो
रैम और ये जो हार्ड डिस्क का है वो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। आप 100 GB अगर आपकी हार्ड डिस्क है और आप उसमें सिर्फ 1 GB या 2 GB लगाएं तो उसके सपोर्टिंग होनी चाहिए ताकि कंपैटिबिलिटी हो। तो वर्चुअल मेमोरी भी आपके उसी मेमोरी के अंदर से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए आपको प्रोवाइड की जाती है, और बंदे को लग रहा होता है कि यार जो है ना वो परफॉर्मेंस बेहतर होगी है। तो वो इसी तरह ही बात है कि जो आपकी प्रीवियस रैम है वो आपका कुछ प्रोग्राम्स को होल्ड किया है, तो ये जो आप वर्चुअल मेमोरी का साइज़ जब बढ़ा देते हैं सेटिंग्स में जाके तो वो थोड़ा सा प्रोग्राम का साइज़ या इंस्ट्रक्शन बड़ा प्रोग्राम उसको होल्ड करके रखेगी। तो आई थिंक सो दिस इज़ एंड ऑफ द स्लाइड। और कंप्रेशन के फॉर्मेट्स भी हैं, JPG, MP3, DivX फॉर्मेट आपके पास लेटेस्ट आ गए हैं जिसको साइज कंप्रेशन में कर सकते हैं। इस साइड पे भी जाते हैं मगर कम लड़के जाते हैं ये कंप्रेशन के, ऑडियो वीडियो कंप्रेशन के लिए के डाटा वो लॉस ना हो सके। इंडेक्सिंग अप्रोच होती है डाटा को सर्च करने की, आपने क्यूरी बेस में पढ़ा होगा। सो दिस एंड्स दी और अप्रोक्सीमेटली 55 और 10 मिनट, 65 मिनट्स का लेक्चर हुआ है, और मैं यहाँ पर इसको अभी एंड जनरेट करता हूँ। और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे लेक्चर का रिस्पांस और क्यूरी भी दे सकते हैं, और अगर आपको बाद में भी कोई क्यूरी हो और आप अपने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आप अपनी क्यूरी पोस्ट कर सकते हैं कि आई हैव अ क्यूरी, और नीचे वॉइस नोट में क्यूरी पोस्ट कर दें। तो आई होप कि मैंने कुछ चीज़ें थी इसमें, हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें देखी, और फिर एप्लीकेशंस का काफ़ी डिस्कस हुआ। कोई आपको प्रोजेक्ट्स के हवाले से एप्स या किस तरह के आइडियाज़ हैं, बेशुमार मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए, और दोबारा अगर गौर से सुने तो कम से कम 8 से 10 मैंने प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ और दिए। वो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड भी हैं और कुछ नेटवर्क बेस्ड भी हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो आई होप कि आप उसको दोबारा तसल्ली से सुनेंगे और दोबारा गौर से सुनेंगे, जहाँ जहाँ आइडियाज़ हो एप्लीकेशन का जिक्र आ रहा है प्रोजेक्ट्स का, तो वो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने आप अपने प्रोजेक्ट्स को या नया आइडिया शेयर करने के लिए डिस्कस कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। दैट एंड सी, मैं रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। लेक्चर विल बी अपलोडेड सून और बिबलू पे भी लिंक आ जाएगा शाम तक, और इसको आपके जो CR है वो कन्वर्ट करके गूगल ड्राइव पे भी शेयर कर देंगे। तो बिग ब्लू पे 2 लिंक आएंगे, और क्योंकि वो पहले लेक्चर डिस्टर्ब हुआ था 10 मिनट के बाद इंटरप्शन आ गई थी, तो गूगल ड्राइव पे अगर उन्होंने कैप्चर कर लिया तो वो एक ही लिंक पे शेयर हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये 67-68 मिनट का लेक्चर है टोटल। तो थैंक यू जी, दैट एंड